अवेसी के ऊपर इतना बड़ा स्टेटमेंट देने के बावजूद भी कोई केस एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, जबकि उसमें सीधे सीधे उसने धमकी दी है और उसने कहा है कि अल्लाह इस जो हुकूमत है उसको हराएगा। तो क्या अल्लाह भी किसी की पार्टी है? अल्लाह ने भी मतलब ये क्या मशीने वशीने हैक करने का ठेका ले रखा है? हाँ, अल्लाह बिल्कुल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी का अच्छा वो अल्लाह है, समाजवादी पार्टी अच्छा अल्लाह है, जी भारत सरपरस्त अल्लाह है, ममता जी जी का सरपरस्त अल्लाह है, लालू जी का सरपरस्त अल्लाह है, नॉर्थ पार्टियां हैं जो साउथ में सियासी पार्टियां हैं जो मुसलमानों की वोटों की राजनीति करती हैं, उनका सरपरस्त अल्लाह, अल्लाह से इनको ताकत दे ही रहा है तो दे दे भाई। देखिए, हम तो ये कहते हैं कि इस देश में एक योगी नहीं, एक अमित शाह नहीं, एक मोदी नहीं, बहुत से योगी हो, बहुत से मोदी हो, बहुत से अमित शाह होंगे, अमित बिल्कुल सोच रखने वाले पॉलिटिकल नेताओं की जरूरत है जो जी साफ साफ फन कुचलना जानते हो और उनकी खुद की ताकत इतनी हो कि सांप अपना मुंह मोड़ ले, जी जी ना उठ पाए। हमको जरूरत जी नहीं, आज उत्तर प्रदेश में योगी जी का राज है, वहां पे इतनी दहशत है, इतनी दहशत है इन मुसलमान राक्षस रूपी लोगों की के बीच जी में जो कि हिंदुओं का कत्लोआम करना चाहते हैं, इतनी दहशत है कि वो उन्हीं ने अपनी जो एक्टिविटीज है उनको रोक रखा है कि ये हुकूमत बदले तो हम एक्टिव हो। जी इसी तरह से केंद्र में मोदी जी, जाहिर सी बात है, एक संवैधानिक पद पे है, देश के प्रधानमंत्री है, अमित शाह जी एक जी संवैधानिक पद पे है, देश के गृह मंत्री, लेकिन उनका नाम ही काफी है उन लोगों के लिए जो सनातन की हत्या करना चाहते हैं, वो जी उन्हीं को मारने का ऐलान थोड़ी ना कर दिया, नहीं मुसलमानों को बाहर जाने का फरमान नहीं जारी कर दिया, जी लेकिन वो मुसलमान जो कि सनातन धर्म के लोगों की हत्या करना चाहता है, उनके खौफ में खामोश बैठा है। ये खौफ हमें रखना चाहिए और जी ऐसे लोग और मजबूत करना चाहिए कि हम सुरक्षित रहें। भी अच्छा, ओवैसी के ऊपर एफआईआर नहीं हुई, इस पे मैं आपसे सवाल पूछ रहा था कि ये क्या वजह है कि वो व्यक्ति खुलेआम मारने की धमकी देता है और फिर भी ऐसे लोगों को संरक्षित किया जाता है? अच्छा, इसमें एक और पॉइंट है, इसके छोटे भाई ने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, लेकिन अगले भाई ने 2 स्टेप आगे बढ़ के कहा है कि हम पुलिस को ही निपटा देंगे, फिर बताओ कौन बचाएगा? तो ये तो स्टेटमेंट तो दोनों के दोनों वहीं से आ रहे हैं ना, कि भाई और 100 करोड़ हिंदू हैं, हम तो 15 मिनट में देख लेंगे। फिर इनको लगा कि 15 मिनट में तो पुलिस वापस आ जाएगी, हम भाग भी नहीं पाएंगे कि पुलिस आ जाएगी। लेकिन अब बड़े भाई ने कह दिया कि हम पुलिस को ही सबसे पहले साफ करेंगे, फिर वही होगा मामला छोटे भाई वाला कि हम 100 करोड़ हिंदुओं को देख लेंगे। देखिए, ये बहुत बड़ी, एक तो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए क्योंकि इन्हीं ने जी ललकारते हुए एक कत्लोआम को दावत दी है, हाँ जी कत्लोआम को दावत नहीं दी थी जो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आप रक्षा की बात की थी, बिल्कुल उन लोगों से हमको सुरक्षित रहना चाहिए, उन लोगों के लिए हमको अपने असलहे भी तैयार रखना चाहिए जो हमको मारने आए। ये हमने नहीं कहा कि असलाह उठाओ, आतंक बचा दो, लेकिन जी बिल्कुल आतंक बिल्कुल जुड़े लोग हम तक पहुंच जाएं तो हमको भी असलाह चलाना आना चाहिए। जो हत्या करने आए हैं, जरूरी नहीं है कि वो मेरी हत्या करके वापस जा पाए, हो सकता है कि जी हम जी उनको बचा दें। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें कोई कानूनन एक अपराध की बात नहीं है, लेकिन जो दिनों एसी ने बात की, जो उसके भाई ने बात की, वो कानूनन अपराध है। और दूसरी चीज ये, असदुद्दीन फैमिली इस बात को समझ ले कि अब वो हिंदुओं को जितना बाबर के जमाने में या औरंगजेब के जमाने में मजबूर समझती है, उसकी मानसिकता वही है ना, बाबर और औरंगजेब वाली, कि हमने जी जी आए जी हिंदुओं को इस तरह से मारा था,
वो कहता नहीं है कि हमारा प्रमाण क्या लोगे, चार मीनार देख लो जिस पर मैंने कहा तुम्हारे पुरखों ने अपनी लैला के लिए ताजमहल बनाया था, वो भी हम देख रहे हैं। तो अब वो उसी फिराक में है कि जैसे औरंगजेब ने किया, जैसे कि बाबर और हुमायूं ने और अकबर ने किया, उसी तरह से हम भी कभी मौका मिला तो कर लेंगे। भूल जाओ असदुद्दीन ओवैसी की फैमिली, या हाथ अब कमजोर नहीं रहे, जी हम संगठित हो रहे। जिस दिन तुम्हारे गरेबान तक हाथ पड़ गया, तुम्हारा हशर वही होगा कि तुम पैर पकड़ के हिंदुत्व की भीख मांग रहे होगे और जी कह रहे हो हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। लेकिन याद, अगर मेरी हत्या करने की साजिश कर रहे हो, सनातन धर्म के लोगों की हत्या करने की साजिश कर रहे हो, तो जी ये सोचना और ये साजिश करना तुम्हारी बेवकूफी है, क्योंकि अब हम तुमसे दो दो हाथ करने को भी तैयार हैं। त्यागी जी, आपने ये जो सारी चीजें बताई हैं और हमारे काफी लोग हैं जिनके कमेंट्स भी आ रहे हैं और बीच बीच में मैं कुछ सवाल रख भी रहा हूं यहाँ। एक जो चीज मेन है, जो खास है कि इन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन इनको जो फॉलो करते हैं, जो सामने खड़े हुए लोग हैं, जो तालियां बजाते हैं, फिर वही तो लोग होते हैं जो समाज में आकर के फिर अपराध करते हैं, जो फिर समाज के अंदर उनके चढ़ाए से फिर यहाँ पे आकर के अपराध करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, फिर हिंदुओं के ऊपर हमले करते हैं, उनकी बहन बेटियों के ऊपर हमले करते हैं। तो ऐसे समय में यदि कोई इस प्रकार का नेता हो और इस तरीके से वो प्रवोक भी कर रहा हो, आप तो कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, आपने तो अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो धर्म को समर्पित किया है, आप हैं और जितने भी संत वहां पर उपस्थित थे, तो अपने धर्म के रक्षार्थ वो जो कुछ भी कहना चाहे वो उनकी अपनी फ्रीडम है। लेकिन राजनीतिक लोग जब इस तरीके की बात करते हैं और देश में जो आग लगने की जो स्थिति पैदा हो जाती है, आपके आपके साथ में कुछ लोगों ने कहा भी था वहां पे कि हथियार आदि भी अपने पास में रखने चाहिए, मोबाइल है तो ठीक है लेकिन हथियार भी हो, तो क्या हिंदू समाज को वास्तव में अपने पास में अस्त्र और शस्त्र भी रखने चाहिए? वो अलग चीज है कि देखिए फौज है, पुलिस है, लेकिन क्या उस प्रोसेस में आगे बढ़ना चाहिए जो कि सरकार के द्वारा भी छूट दी जाती है, लाइसेंस की प्रक्रिया की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या उस प्रकार से भी हमें आगे बढ़ना चाहिए हिंदू समाज को? लाइसेंस रख के असलाह रखना कोई अपराध तो है नहीं, जी। और लाइसेंस रख के असलाह रखना इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमने कोई लकड़ी का एक मुठ अपनी जेब में रख रखा। जी लाइसेंस हमको मिला है असलहे का, एक रिवॉल्वर जिसके अंदर 6 गोलियां होती है या मैगजीन के अंदर गोलियां होती है, जी वो इसलिए भी मिला है, और इसीलिए मिला है, इसलिए भी नहीं, इसीलिए मिला है कि इसीलिए जी हम अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर पाए। जी वो डराने के लिए बिल्कुल थोड़ी, इसलिए नहीं मिला है कि हम असलाह दिखाकर किसी को लूटे, लिहाजा जी तुमको जी बता रहा है ये असलाह रखो, या जी जी इसका इसको एक सम्मान की तरह से गले में लटका कर घूमो कि मेरे पास असलाह है। असलाह रखने और असलाह की परमिशन दिया जाना ये जरूरी है। जब पुलिस की रिपोर्ट, जब असलाह अप्लाई किया जाता है, पुलिस की रिपोर्ट लगती है, तो उसमें पुलिस लिखती है कि सुरक्षा की दृष्टि से असलाह दिया जाना आवश्यक है। जाहिर सी बात है वो हमको गले में जी लटकाने नहीं दिया गया है। अगर कोई हमें मारने आ रहा है तो आत्मरक्षा में हमको भी गोली चलाने का इख्तियार है, तभी असलहा मिला है। जी उस असलहे का मिसयूज हम नहीं कर सकते, उस असलहे से हम किसी की हत्या करने की साजिश नहीं कर सकते, उस असलहे से जी हम कोई नहीं डाल सकते, जी वो उसका मिसयूज है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर गैर लाइसेंसी असलहा लेकर हमको मारने आ जाए और हमारे पास लाइसेंसी असलहा है, तो क्या उसको चलाने की हमको परमिशन नहीं है? तो ये चुनजुना बिल्कुल लड़का क्यों दिया गया? जी अपनी सुरक्षा के लिए ना। जी